नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। भारतीय सेना ने नागरिक प्राधिकरण की सहायता में समन्वय के लिए कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश में संक्रमण के बढ़ने के कारण जनता कर्फ्यू 15 मई तक बढ़ाया गया। देश में अब तक 16 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने 730 टन से अधिक ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आभार व्यक्त किया। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाओं के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा तय की। एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर तक के लिए 1,500 रूपये और इसके बाद 100 रूपये प्रति किलोमीटर शुल्क ले सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने दालों की पैदावार में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आगामी खरीफ सत्र के वास्ते विशेष खरीफ कार्यनीति तैयार की और सरकार ने अगले महीने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य किया। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड स्थिति की व्यापक समीक्षा की। उन्हें विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रधानमंत्री को उन 12 राज्यों के बारे में जानकारी दी गई जहां वर्तमान समय में 1 लाख से अधिक रोगी हैं। उन जिलों के बारे में भी बताया गया जहां महामारी का ज्यादा प्रकोप है। एक रिपोर्ट। बैठक में प्रधानमंत्री को राज्यों द्वारा बढ़ाए गए चिकित्सा ढांचे के बारे में बताया गया। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि राज्यों को चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएं। संक्रमण पर नियंत्रण के तुरंत और समग्र उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उन जिलों की पहचान करें जहां संक्रमण 10% या उससे अधिक है, साथ ही अस्पतालों में 60% से अधिक रोगी ऑक्सीजन या आईसीयू में हैं। श्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्हें रेमडेसिविर सहित दवाओं का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण में प्रगति और अगले 2 महीनों में टीके का उत्पादन बढ़ाने के रोड मैप की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि राज्यों को लगभग 17 करोड़ 70 लाख टीके की आपूर्ति की जा चुकी है। श्री मोदी ने इसकी बर्बादी के बारे में राज्यवार स्थिति की समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों में से लगभग 31% लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारामन, डॉ हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया और कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के दौरान सेवाएं प्रदान करने के लिए सैन्य बलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य बलों ने जल, थल और नभ से हर तरह के प्रयास कर कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि वैज्ञानिकों, चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अन्य पेशेवरों और नागरिक प्रशासन के साथ सैन्य बलों ने भी वायरस के रूप में अदृश्य शत्रु का डटकर मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि सैन्य बल लोगों की मुश्किलें कम करने में हर तरह से मदद कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि देश के विभिन्न सेना अस्पतालों में 750 बिस्तर असैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के 19 अस्पतालों को भी, जहां 4000 बिस्तर और 585 आईसीयू यूनिट उपलब्ध हैं, इस काम में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 500 ऑक्सीजन संयंत्र तैयार कर रखा है जिन्हें प्रधानमंत्री केयर कोष के साथ लगाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि वायुसेना और नौसेना विदेशों से ऑक्सीजन लाने में लगी है। वायुसेना के विमानों ने 1000 मीट्रिक टन के 61 ऑक्सीजन कंटेनरों की विभिन्न देशों से ढुलाई की है। भारतीय सेना ने नागरिक प्राधिकरण की सहायता में समन्वय के लिए कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया है। ये प्रकोष्ठ महानिदेशक स्तर के अधिकारी के तहत काम करेगा जो सीधे सेना उपाध्यक्ष को रिपोर्ट देगा। इससे दिल्ली सहित देशभर में कोविड मरीजों की संख्या में असाधारण वृद्धि की समस्या से निपटने में ज्यादा दक्षता के साथ सहयोग किया जा सकेगा।
दिल्ली में नागरिक प्रशासन की सहायता पहले से ही की जा रही है। इसके तहत जांच, सैन्य अस्पतालों में भर्ती और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों का परिवहन किया जा रहा है। सेना राष्ट्रीय स्तर पर भी कोविड की स्थिति से निपटने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना में संचालित या स्थापनाधीन 5 कोविड अस्पतालों में बड़ी संख्या में चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। देश में अब तक 16 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 19 लाख 55 हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया गया। कल पूरे देश में 4,12,262 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 81.99% हो गई है। कल 3,29,000 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 1,72,00,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अभी 35,66,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। ये संख्या कुल संक्रमित लोगों का 16.92% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में 19,23,000 कोरोना नमूनों के परीक्षण किए गए। अब तक देश में 29,67,00,000 से अधिक कोविड परीक्षण हो चुका है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 17,15,00,000 कोरोना टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से टीके की बर्बादी सहित 16,26,00,000 से अधिक डोज का इस्तेमाल हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास 89,00,000 से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि अगले 3 दिन के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 28,00,000 से अधिक अतिरिक्त टीके की डोज मिल जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान क्षेत्र से जुड़े लोगों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस क्षेत्र से संबंधित सभी कंपनियों और एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वो अपने कर्मियों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करें। इसके अलावा हवाई अड्डे के संचालकों से कहा गया है कि वो हवाई अड्डों पर टीकाकरण की सुविधा प्रदान करें। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हवाई अड्डे के संचालकों को टीकाकरण काउंटर और अलग से प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं बनानी जरूरी हैं। ये सुविधाएं पहले चरण में सभी कार्मिकों के लिए होंगी और बाद में उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी इसे बढ़ाया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग DAPRG के सचिव इंदिवर पांडे ने आज केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों के जन शिकायत अधिकारियों के साथ कोविड महामारी से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने सरकार की उन नीतियों का उल्लेख किया जिनके तहत महामारी के दौर में शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया है। इनमें महामारी संबंधी नागरिकों की शिकायतों की निगरानी के लिए समर्पित कोविड पोर्टल शुरू करना शामिल है। पिछले वर्ष 30 मार्च से इस वर्ष 3 मई तक DAPRG के पोर्टल पर 1,92,000 जन शिकायतें मिली। इनमें से 1,66,000 शिकायतों का समाधान किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि अंतरिक्ष विभाग ने अपने कार्यक्षेत्र से आगे बढ़कर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में कोविड संबंधी सहायता और मुख्य रूप से तरल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। इसरो के अध्यक्ष डॉ के शिवम ने कहा कि तमिलनाडु और केरल को प्रतिदिन 9.5 टन तरल ऑक्सीजन दी जा रही है। इसरो के परिसर में बनी 87 टन तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति तमिलनाडु और केरल को पहले ही की जा चुकी है। अंतरिक्ष विभाग आंध्र प्रदेश और केरल में स्थानीय जनता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी आपूर्ति कर रहा है। भारत ने विशाल ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए जर्मनी का आभार प्रकट किया है। ये संयंत्र 2 हिस्सों में लाया जा रहा है जिसका पहला हिस्सा आज भारत पहुंच गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इससे भारत की ऑक्सीजन क्षमता में वृद्धि होगी। उधर बांग्लादेश से आवश्यक दवाओं की खेप आज पश्चिम बंगाल पहुंची। भारत ने इसके लिए बांग्लादेश को धन्यवाद दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कस्टम विभाग के गोदाम में ऑक्सीजन का कोई भी कंसंट्रेटर लंबित नहीं है। बोर्ड ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारी सभी खेप को तुरंत मंजूरी दे रहे हैं।
विभिन्न देशों से 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत को मिले हैं। मॉरिशस, रूस, ब्रिटेन, रोमानिया, आयरलैंड, थाईलैंड, चीन, उज्बेकिस्तान और ताइवान ने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इस खबर का खंडन किया है कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में अब बिस्तर उपलब्ध हैं, क्योंकि वहां के सभी वार्डों को कोविड वार्ड में बदल दिया गया है। प्रेस सूचना कार्यालय ने कहा है कि ये संदेश निराधार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को 730 टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को प्रतिदिन 700 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। श्री केजरीवाल ने अस्पतालों से अपील की कि अब वो बिस्तरों की संख्या फिर से बढ़ा दें, क्योंकि सरकार को आशा है कि अब प्रतिदिन की आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वो कोविड टीका लगवाएं। उन्होंने बताया कि अब तक 35,74,000 टीके लगाए गए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने घर में पृथकवास कर रहे रोगियों को ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वेबसाइट delhi.gov.in पर फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और कोविड होने की रिपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा। दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाओं के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा तय कर दी। अब एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर तक के लिए 1,500 रूपये और इसके बाद 100 रूपये प्रति किलोमीटर शुल्क ले सकेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर के लिए 2,000 रूपये और उसके बाद 200 रूपये प्रति किलोमीटर ले सकेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर के लिए 4,000 और उसके बाद 100 रूपये प्रति किलोमीटर वसूल सकेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी की समस्या दूर करने के लिए भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र BARC ने मुंबई में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए विशेष ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया है। BARC ने कहा है कि पहले चरण में संयंत्र से 50-50 लीटर के करीब 10 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हें दक्षिण मध्य मुंबई के सरकारी अस्पतालों और कोविड केंद्रों में भेजा जाएगा। पुणे में कोविड महामारी से लड़ने में सहयोग के लिए महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और स्वस्थ अलायंस ने मिलकर समूचे देश के लिए चलाए गए मिशन वायु के अंतर्गत 7,800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 875 BPAP वेंटिलेटर और 50,000 पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान करके इसके दो चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। मिशन वायु स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और देशभर में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए सबसे बड़ी नागरिक सेवाओं में से एक है। महाराष्ट्र कोविड टीकाकरण अभियान में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य में टीका लगवाने वालों की संख्या 1,67,00,000 से अधिक हो गई है। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक राज्य में 1,39,15,088 नागरिकों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 28,66,631 नागरिकों को दोनों खुराक दी गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कहा कि महाराष्ट्र शुरू से ही टीकाकरण अभियान में आगे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में टीका अपव्यय की दर केवल 1% है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी टीके का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। इस बीच चूंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव डाला है, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग में तत्काल आधार पर 16,000 पद भरे जाएंगे, ताकि तीसरी लहर के दौरान मनुष्यबल की कमी न हो। सिटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कोरोना के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य में 15 मई तक सख्त जनता कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोरोना कर्फ्यू को बिना किसी ढिलाई के लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल तक संक्रमण फैलने के मामले में राज्य 7वें स्थान पर था, जो जनता के सहयोग से अब 14वें स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री ने जनता कर्फ्यू को सख्ती के साथ पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए जनता से सभी गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया। 15 मई तक शादियों को टालने का आग्रह भी मुख्यमंत्री ने किया। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महीने की 8 तारीख से 16 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। राज्य ने आज 42,464 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि केरल में शनिवार सुबह 6 बजे से पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आधिकारिक आदेश आज शाम जारी किए जाएंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कल कोविड के 41,953 मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमित होने की दर 25.69% है। केरल में 3,75,000 से अधिक कोरोना संक्रमित लोग हैं। तिरुवनंतपुरम से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कश्मीर डिवीजन में 1,050 अतिरिक्त ऑक्सीजन बिस्तरों की व्यवस्था करें। उन्होंने निर्देश दिया कि अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था 1 सप्ताह के भीतर की जाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी दिखाई दे रही है। कठुआ के कोविड देखभाल केंद्र में कोरोना वायरस से संक्रमित 3 व्यक्तियों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें आज छुट्टी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इनमें से एक रामानंद सागर ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम रामानंद सागर, यहाँ मेरे को चेक किया, पॉजिटिव हो गया सर मैं। उसके बाद मेरे को यहाँ स्कूल में लेके आए हैं। यहाँ 10 दिन रोकते हैं, बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं, सब सुविधा उपलब्ध है यहाँ। बाकी लोगों को यही कहते हैं कि थोड़ा दूरी बना के रखें, घर में रहें, बाहर ना ज्यादा निकलें, आज्ञा का पालन करें आप। असम सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रबंधन के लिए वो नियमित रूप से अस्पतालों का दौरा करें। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। चाय बागान क्षेत्रों में कोविड जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। फोन नंबर 1075 पर कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फोन पर सलाह ले सकता है। परामर्श के लिए वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, जो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सेवा प्रदान करेंगे। रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 161 टैंकरों की सहायता से 2,511 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। अब तक 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी हैं। अभी 22 टैंकरों से 400 टन से अधिक ऑक्सीजन ले जाई जा रही है। शीघ्र ही ये खेप मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पहुंच जाने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूर्वोत्तर में कोविड महामारी से निपटने में राज्य सरकारों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं। नागालैंड सरकार को कोविड के मरीजों के उपचार के लिए रेल के 10 डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक डिब्बे में 16 बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे ने असम सरकार के अनुरोध पर 150 डिब्बे तैयार रखे हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य से संबद्ध सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के परिवर्तित रूप का कोई अलग उपचार नहीं है। डॉ पॉल ने चिकित्सकों से घर पर उपचार करा रहे कोविड मरीजों को टेलीफोन पर परामर्श देने का अनुरोध किया है। हमें एक माहौल पैदा करना है कि हम सबको अगर जरूरत पड़ती है तो सामने हो कि मैं यहाँ फोन करूँ, चाहे वो एक हेल्पलाइन बन जाए, मल्टीपल हेल्पलाइन बन जाए, चाहे इंडिविजुअल्स का नाम है जो अखबार में आ जाए या पता लगे कि यहाँ इस शहर में किसको फोन कर सकते हैं, या स्टेट लेवल पे ऐसा सिस्टम बने, इसकी बहुत जरूरत है। लगभग सब स्टेट्स ने अपने तरीके से ऐसी हेल्पलाइन बनाई हुई है, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो फिजिशियन कम्युनिटी है, प्रोफेशनल्स की टीम्स हैं, इसमें जुड़ें तो बहुत मदद होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड पर विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जयपुर के FMS मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ रमन शर्मा चर्चा में भाग लेंगे।
श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर, लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। भारतीय सेना ने नागरिक प्राधिकरण की सहायता में समन्वय के लिए कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश में संक्रमण के बढ़ने के कारण जनता कर्फ्यू 15 मई तक बढ़ाया गया। देश में अब तक 16 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने 730 टन से अधिक ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आभार व्यक्त किया। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाओं के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा तय की। एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर तक के लिए 1500 रूपये और इसके बाद 100 रूपये प्रति किलोमीटर शुल्क ले सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने दालों की पैदावार में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आगामी खरीफ सत्र के वास्ते विशेष खरीफ कार्यनीति तैयार की और सरकार ने अगले महीने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य किया। पश्चिम बंगाल में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर आज कुछ शरारती तत्वों ने हमला किया। वो चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए मेदिनीपुर के पंचकुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जा रहे थे। इन लोगों का तृणमूल कांग्रेस के कथित उपद्रवियों ने उत्पीड़न किया था। इसी दौरान राजनीतिक समर्थन प्राप्त भीड़ ने श्री मुरलीधरन के काफिले पर लाठियों से हमला किया। उनकी कार पर तोड़फोड़ की गई। हमले में कई पत्रकार भी घायल हुए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस हमले को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा चल रही है, 14 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि घरों पर हमले किए गए हैं, आगजनी की है, ये तो लोकतंत्र नहीं है। और आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे साथी मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है, आज लोग तंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के कारणों का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय का 4 सदस्यों का दल आज वहां गया है। मंत्रालय के अपर सचिव के नेतृत्व में इस दल ने कोलकाता में राज्य सचिवालय का दौरा किया और राज्य के गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की। ये दल दक्षिण 24 परगना, गोरखली, सुंदरबन, जगदल और कई अन्य इलाकों का दौरा कर सकता है। मंत्रालय ने कल पश्चिम बंगाल सरकार को एक अनुस्मारक भेजकर चुनाव बाद हुई हिंसा के बारे में व्यापक रिपोर्ट देने और हिंसक घटनाएं रोकने के लिए बिना समय गवाए आवश्यक उपाय करने को कहा था। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंत्रिमंडल के 34 सदस्यों की सूची जारी की है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इस सूची को मंजूरी दे दी है। कल चेन्नई में राजभवन में एक सादे समारोह में सवेरे 9 बजे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजभवन परिसर डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और उनके नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के लिए तैयार किया जा रहा है। एक दशक के बाद डीएमके पार्टी सत्ता में वापस आए हैं। डीएमके पार्टी ने हाल के विधानसभा चुनाव में 133 सीटों पर जीत हासिल की है। यह छठी बार है जब डीएमके राज्य में सत्ता में आई है और श्री स्टालिन पहली बार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस बीच प्रमुख विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक कल चेन्नई में होगी। जय सिंह, AIR न्यूज, चेन्नई। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को कठोर और अनुचित बताया है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संयम बरतने की आवश्यकता है और उन्हें अदालती कार्रवाई के दौरान सोच विचार किए बिना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी के फैलने के लिए आयोग को दोषी नहीं ठहराया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पीठ ने कहा कि ये ज्ञात हुआ है कि उच्च न्यायालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखा था और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का कर्तव्य निभा रहा था। कृषि मंत्रालय ने दालों की पैदावार में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आगामी खरीफ सत्र के लिए एक विशेष खरीफ कार्यनीति तैयार की है।
इसके तहत दलहन फसलों की बुआई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बीज एजेंसियों या राज्यों में उपलब्ध अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज निःशुल्क बांटे जाएंगे। लगभग 82 करोड़ रुपए की लागत से बीजों की 20 लाख से अधिक मिनी किट वितरित किए जाने का प्रस्ताव है। ये संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 10 गुना अधिक है। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत अब भी लगभग 4 लाख टन तुअर, 0.6 लाख टन मूंग और लगभग 3 लाख टन उड़द का आयात करता है। इस कार्यक्रम से इन दालों के उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकेगी। इससे आयात पर बोझ कम होगा और भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए 17 राज्यों के वास्ते राजस्व घाटा अनुदान की दूसरी मासिक किस्त के लिए 9,871 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके साथ चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में राज्यों को वित्तीय घाटा सहायता के रूप में कुल 19,742 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों के लिए इस सहायता राशि की सिफारिश की है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। शेयर बाजारों में बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 272 अंक बढ़कर 48,950 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 107 अंक बढ़कर 14,725 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत हुआ और एक डॉलर की कीमत 73.76 रूपये दर्ज हुई। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $68.68 प्रति बैरल के करीब था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का कोरोना संक्रमण से आज सुबह निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अगले महीने से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है। ये प्रमाण पत्र केवल विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल के उपयोग से ही जारी किया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अखिल भारतीय वैधता और दिव्यांगजनों को लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक स्मार्ट नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, गेल और श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार तेल और गैस क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम विभिन्न विकास गतिविधियों के पहले चरण में करीब 100 करोड़ रुपए का योगदान करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष आमंत्रित के रूप में शनिवार को यूरोपीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ता भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की ये बैठक आयोजित कर रहे हैं। पुर्तगाल फिलहाल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों के शासनाध्यक्षों या राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने 2030 के रोडमैप को लागू करने की जिम्मेदारियों के बारे में प्रमुखता से बातचीत की। उन्होंने हिंद प्रशांत, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों और संयुक्त राष्ट्र सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। भारतीय सेना ने नागरिक प्राधिकरण की सहायता में समन्वय के लिए कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश में संक्रमण के बढ़ने के कारण जनता कर्फ्यू 15 मई तक बढ़ाया गया। देश में अब तक 16,25,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने 730 टन से अधिक ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आभार व्यक्त किया। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाओं के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा तय की। एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर तक के लिए 1,500 रूपये और इसके बाद 100 रूपये प्रति किलोमीटर शुल्क ले सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने दालों की पैदावार में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आगामी खरीफ सत्र के वास्ते विशेष खरीफ कार्यनीति तैयार की। और सरकार ने अगले महीने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य किया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।